हरिद्वार में चोरियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब यहां लगातार बच्चे चोरी किए जा रहे हैं। हरिद्वार घूमने गए पति पत्नी के पास से 6 महीने की मासूम को चोरों ने गायब कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला है। दिल्ली निवासी प्रसून कुमार अपनी पत्नी प्रीति के साथ हरिद्वार घूमने आए थे। प्रीति पहले से शादीशुदा थी, उसने अपने पहले पति को छोड़कर प्रसून से दूसरी शादी की थी। ये दंपति हरिद्वार घूमने के लिए आए थे और रात में जब ये लोग सो रहे थे तब महिला के पास से 6 माह के मासूम को चुपके से कोई चुरा कर ले गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। SSP अजय सिंह के निर्देश में बच्चे की बरामदगी के लिए टीम गठित की गई, जिसने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में दबिश देकर लगभग 2 सप्ताह के भीतर नाबालिग बच्ची को गोयला डेरी थाना छावला नई दिल्ली से बरामद कर लिया। आरोपी दंपत्ति को दबोचने के बाद इस बच्चे को इसके माता पिता को सौंप दिया गया है। हरिद्वार पुलिस द्वारा 6 महीने के भीतर बच्चा चोरी संबंधी 3 अन्य प्रकरणों में भी 3 बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है। पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है हरिद्वार में बच्चा चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। 16-17 तारीख को वो भी यहाँ घूमने आया और उन्होंने एक कंडीशन में देखा कि परिवार और बच्चा से सो रहा है, तो उनकी योजना बनी और बच्चे को यहाँ से चुरा के ले गए। बच्चे को बरामद कर लिया गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। समस्त पूछताछ में सिर्फ एक परिवार में वंश के दिखाने के लिए जो बच्चे को था कि कहीं समाज में दिखा सके कि हमारा है, उसके लिए ही ये घटना को कारित किया गया। पुलिस के भी लोग लगाए गए थे, महिला कांस्टेबल लगी थी, तो समस्त टीम को भी मैंने 25,000 रुपये इनाम इसमें, चूंकि एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था और 13 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जो है सकुशल बच्चे और माँ को मिला दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।